सिर्फ दो कच्चे आलू से और दो चम्मच तेल से पूरे परिवार के लिए इतना शानदार और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा कि आप बार बार नहीं हर बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज़ के आलू, और आलूओं को हम पहले अच्छे से धो लेंगे, छील लेंगे और ये देखिए इस तरीके से मोटी वाली किशमिश से कद्दूकस कर लेंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा पूरा ज़रूर देखें, तभी पूरी रेसिपी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पर मैंने एक कप बारीक वाली सूजी ले ली है, और यहाँ पर सूजी को भी मैंने पहले अच्छे से छान लिया है। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप उसकी जगह पर मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें चौथाई कप दही मिलाएंगे। यदि दही ज़्यादा खट्टा हो तो आप सिर्फ दो चम्मच ही डालें। अब यहाँ पर मैंने ली है चौथाई कप मटर। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू और मटर का यूज़ किया है। आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी इसमें मिला सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नाश्ते वाली चम्मच से एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च की जगह पे आप यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम सूजी को पहले आलू में और दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे। बच्चों के टिफ़िन में, ऑफिस टिफ़िन में या फिर सुबह शाम जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का और टेस्टी खाने का मन हो तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए इस तरीके से हमें बैटर तैयार करना है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। 10 मिनट के लिए हम ढककर साइड में रख देते हैं और तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक टिन में तेल लगाकर ये देखिए अच्छे से चिकना कर लिया है। और ये देखिए गैस पर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 3 से 4 ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। केक टिन को हम कढ़ाई के अंदर रखेंगे और ऊपर से एक थाली से ढक देंगे। इस तरीके से आप अपने घर के हिसाब से सेटअप तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए इधर सूजी भी अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। नाश्ते वाली चम्मच से आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मीठा सोडा डालेंगे। मीठे सोडे की जगह आप यहाँ पर इनो भी डाल सकते हैं। मीठे सोडे के ऊपर ये देखिए इस तरीके से 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर बिना इनो, बिना सोडा और बिना दही के गोली इडली बनाना बताई थी। एक बार मेरे तरीके से बना के देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए इस तरीके से तैयार बर्तन में हम सूजी का बैटर डाल देंगे। इधर पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम कढ़ाई में केक टिन को उतार देते हैं। नाश्ता बनाने के लिए आप यहाँ पर स्टील की थाली या फिर स्टील का डिब्बा जो होता है आप वो भी ले सकते हैं। और ये देखिए मीडियम फ्लेम पर हम कम से कम 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और ये देखिए 15 मिनट बाद नाश्ता अच्छे से पककर तैयार हो गया है। बर्तन को हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और पूरे तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यह नाश्ता कम मसालों के साथ में और कम सब्जियों के साथ में बनाया है। आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर भी आप इसमें मिला सकते हैं। और ये देखिए ठंडा होने के बाद में चाकू की सहायता से किनारे छोड़कर हम बर्तन को उल्टा करके ये देखिए इस तरीके से नाश्ते को निकाल लेंगे। बहुत आसानी से ये निकल जाता है और बिल्कुल भी तले में चिपकता नहीं है। और ये देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि एकदम सॉफ्ट और स्पंजी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब अपने मन चाहे आकार में आप नाश्ते को कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर लंबे लंबे टुकड़ों में कट किया है। कम मसालों के साथ में बना हुआ नाश्ता घर में बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करके देखना। और आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने कम मसालों का और कम तेल का यूज़ किया है। नाश्ते को एकदम चटपटा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए 2 टेबलस्पून तेल ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद तेल और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा ही रखेंगे और ये देखिए मसाले को हम इस तरीके से पूरे तवे पर पहले अच्छे से फैला लेंगे। अब हम तैयार नाश्ते को एक एक करके तवे पर जमा देंगे। ये देखिए इस तरीके से गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे और धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से पलटाते हुए नाश्ते को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम सेक लेंगे। और जैसे ही नाश्ते पर दोनों तरफ से मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। कम मसालों के साथ में बना हुआ नाश्ता जितना देखने में सुंदर लग रहा है उससे कई ज़्यादा खाने में टेस्टी है। तो चलिए अब आती है प्लेटिंग की बारी। टमाटो केचप के साथ में, हरी चटनी के साथ में या फिर नारियल की चटनी के साथ में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं।
और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में।